दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो मार्किंग हो गया था और बफिंग हो गया, तो अभी जो है हम रेल्स इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। रेल्स इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो एडहेसिव के साथ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है तीन लाइन हो गया है, जहाँ पे एक मॉड्यूल, दो मॉड्यूल, तीन मॉड्यूल लगेगा। और हमारा जो ये यहाँ पे गैप रहेगा, जो वॉक वे और सेफ्टी लाइफ लाइन लगेगा, जस्ट एक दो दिन में इंस्टॉल होने चालू हो जाएगा। और एडहेसिव कैसे लगाया जाता है, कैसे पेस्टिंग होता है रेल्स के पास, मैं अभी जाके वहाँ पे दिखाऊंगा। और चलते हैं, अभी वो एडहेसिव लगा रहे हैं तो उस हिसाब से अभी देखते हैं। ये हमने देखेंगे, पहले यहाँ पे आप देखें तो ये बफिंग एरिया हो गया, यहीं पे जो है ये रेल्स लगने वाला है। ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा भी दिया था, ये देखिए यहाँ पर, और इसके बीच में एडहेसिव लगा है। इस पर एडहेसिव डाल करके और उसको कैसे लगाया गया है, ये देखिए रेल्स। हमारा टीम लगा रहे हैं, अभी चलते हैं वहाँ पे। आप डालिए, निकल हो गया। नहीं, यह जो एडहेसिव है ऐसे लगाना है कि ताकि थोड़ा पार्ट्स बाहर रखें तो ये प्रॉपर यहाँ पे ये बैठ सकेगा। और इस हिसाब से हम एडहेसिव, और इसका जो मान के चलिए थोड़ा जब बाहर जो बफिंग किया हुआ पार्ट है उसको हम यहाँ पे स्प्रे पेंट डाल करके कवर कर देंगे, ताकि इस पर रस्टेड नहीं हो। ऑलमोस्ट ये 160 किलो वाट का डीसी प्लांट है, डीसी साइज है इस प्लांट का। और पूरा ऑलमोस्ट जो है ना ये बफिंग हो चुका है। लास्ट वीडियो में मैं दिखाया था, यह प्रॉपर बफिंग हुआ है। रेल्स डाल करके हमने पूरा प्रॉपर मार्किंग किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, हमने ये चारों तरफ मार्किंग किए हैं ताकि एक्स्ट्रा पार्ट बफिंग ना हो, और इसे प्रॉपर तरह से हम बफिंग हो जाएगा, इसे प्रॉपर से आप रेल्स बैठा सकते हैं। और ये अलाइनमेंट आपको दिखाता हूँ रेल्स का, अभी जो इंस्टॉलेशन रेल्स जो इंस्टॉल कर रहे हैं एडहेसिव के साथ, उसका मैं आपको एक बार अलाइनमेंट दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल तो आप समझेंगे कि क्यों, ये वर्टिकल ये हो गया इस लाइन से, क्योंकि तो ये एक ही लाइन पे आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल आप देख सकते हैं इस हिसाब से, ये देखिए। आप देखेंगे कि जो रेल्स पूरा कट टू कट 100% अलाइनमेंट है, और ऐसे ही अलाइनमेंट रहेगा तो आपका जो है मॉड्यूल जब इंस्टॉल करेंगे उस टाइम ये आपको प्रॉपर अलाइनमेंट मिलेगा, अलाइनमेंट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये प्रॉपर अलाइनमेंट हुआ है, और हमारे टीम अभी रेल्स लगा रहे हैं एडहेसिव के साथ। एडहेसिव जो है वो 400 ml का है। एक मिनट, कॉल आने लगा है। मैं एक एडहेसिव आपको दिखा देता हूँ, एडहेसिव कैसा है। ये जो है पार्कर लॉर्ड का है, 810x20 GB का है एक्राइलिक एडहेसिव, जो 400 ml का एक एडहेसिव आता है। इसका प्राइस कम से कम आपको 2900 के पास चला जाता है विदाउट GST का। ये 400 ml का आपका एक एडहेसिव हो गया। और मैं ये गन से कैसे पेस्टिंग करते हैं, इसके साथ साथ एडहेसिव के साथ साथ एक ये भी आता है, जिसमें आपको ये लगा करके और गन के थ्रू पेस्ट किया जाता है, और वो पेस्ट कर रहे हैं गन के थ्रू, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो पार्ट का है, ये दोनों जैसे इसको गन से प्रेस करेंगे तो साथ में दोनों मिक्स होकर के यहाँ पे एडहेसिव ग्लू जो है निकल रहा है, और जस्ट इस पर आपको बफिंग पार्ट पे लगाना है, और उसके बाद ये उस पर रेस्ट डाल करके थोड़ा इधर उधर मिक्स करना रहता है, ताकि ये पूरा यहाँ पे
ऊपर से नीचे लग सके। और ये देखेंगे जैसे निकाल के देखेंगे पूरा पार्ट कवर हो गया, और इस पर डाल देंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा। बस 10 मिनट के बाद ये पूरा प्रॉपर से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और इसके बाद हम पुश पुल टेस्ट करेंगे, तो पुश पुल टेस्ट करेंगे अभी नहीं, 10 मिनट के बाद हम पुश पुल टेस्ट करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपको निकल नहीं पाएगा, तो पुश पुल टेस्ट के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा जब हम पुश पुल टेस्ट करेंगे। तो एक बार स्ट्रक्चर पूरा लग जाए उसके बाद एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट में।